दोस्तों कंगना रनौत ने जब कहा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। कि ये कह देना कि सुशांत सिंह जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, उनका मर्डर किया गया है, और ये किसने किया है? और किसी ने नहीं, उन्हीं के घर के, मतलब कि बॉलीवुड जिसमें वो काम करते थे उन्हीं के सहयोगियों ने किया है। कैसे? आइए इस वीडियो में अपन ये बात करते हैं और जानते हैं करीब से कि आखिर किन किन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कर दिया था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से, और अब उनका बुरी तरह विरोध भी हो रहा है ट्विटर पे। तो आप देख रहे हैं टेक्सकोप, मैं हूं सोहम। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, और फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कंगना रनौत ने जो बात कही है, बहुत पहले भी कह चुकी है नेपोटिज्म के ऊपर, कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार्स हैं उनके बच्चों को ही प्रमोट किया जाता है, और जो आउटसाइडर्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, उनको इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। इवन वो उठ जाएं ऐसा भी नहीं चाहा जाता है वहाँ पे। जो लोग उठ गए हैं जैसे आयुष्मान खुराना, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि करण जौहर ने जब उनके नंबर मिले उनको, तो इन्होंने कॉल किया उन्हें 2-3 बार, और हर बार उनको निराशा लगी, और अंत में वहाँ से कह दिया गया कि हम धर्मा प्रोडक्शन में सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं, सिर्फ उनको लॉन्च करते हैं, आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप देख सकते हैं आयुष्मान खुराना आज किस लेवल पे है। तो ये तो है धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की रियलिटी। अब अपन बात कर लेते हैं और कौन कौन से स्टार्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने इनको बॉयकॉट किया था। तो सीधे चलते हैं KRK बॉक्स ऑफिस ने जो ट्वीट किया था 27 फरवरी 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सोर्सेज के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियाडवाला, यशराज फिल्म्स, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, इवन मुझे पता भी नहीं है दिनेश विजन है कौन, बालाजी ऑल फिल्म्स, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है। तो अब इनके पास चारा बचता है कि ये सिर्फ वेब सीरीज करें या फिर टीवी शोज करें। तो ये तो मतलब कि 27 फरवरी का ट्वीट था इनकी सुसाइड से पहले का, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको बॉयकॉट कर दिया गया है, एक आउटसाइडर को जो कि बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छी फिल्में दे चुका है, MS धोनी, जिसके लिए इवन ये कहा गया कि ये तो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से चली, इसमें सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग का कोई योगदान नहीं था, ये तो हमारा बॉलीवुड है। जो भी है, छिछोरे मूवी आपने देखी, सोन चिड़िया आपने देखी होगी, ये इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ में काम किया है, इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, इवन जहाँ से इन्होंने डेब्यू किया था काई पोचे, बहुत ही शानदार मूवी है। Man Khan right, he's right behind you by the way. Why don't you get him in the frame and tell him that you just called. लेकिन सलमान खान इनका बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज हो रहा है, और होना भी चाहिए जिस तरीके काम करते हैं। अरिजीत सिंह आपको ध्यान हो, मिथुन सिंगर, इनका कैरियर मतलब विवेक ओबरॉय का तो पूरा कैरियर ही तबाह कर दिया था उन्होंने, इवन ऐश्वर्या राय का भी इनका बस चलता तो तबाह ही कर देते। तो समझने वाली बात यह है कि सलमान खान एक तरफ बींग ह्यूमन की बात करते हैं, और एक तरफ एक ह्यूमन का ही जो कि स्ट्रगल कर रहा है उसका कैरियर तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने बैन किया, बालाजी ऑल्ट फिल्म्स जिसके साथ ये काम कर चुके हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया था। तो आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से है, कैसे रोकती है आउटसाइडर्स को, बहुत गलत है दोस्तों इस तरह का अगर होता है। और इस मुद्दे पे बहुत बढ़िया तरीके से इस बार आवाज़ उठाई है हमारी कंगना रनौत ने। तो उस पर एक ट्विटर यूज़र ने कहा कि हमें आलिया भट्ट जैसी हीरोइन नहीं चाहिए, हमें कंगना रनौत जैसी हीरोइन चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। तो कॉफ़ी विद करण शो में आलिया भट्ट बैठी थी और उनसे पूछा गया, करण जौहर ने पूछा कि आप इन तीनों सेलिब्रिटीज़ में क्या रेटिंग इनको देंगी, जिसमें वरुण धवन, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का नाम था, और वो कहती है सुशांत सिंह राजपूत कौन। तो ये अपने आप में ऐसा है कि उस टाइम हंसी मजाक में दोनों ले गए और उन्होंने जोक बनाया सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। पर दोस्तों ये जो ऐसे शब्द है ना, ये शो करते हैं कि आप किस तरह से एक आर्टिस्ट को डिफाइन करती है फिल्म इंडस्ट्री। ये जो करण जौहर जैसे लोग हैं ना जो नेपोटिज्म फैला रहे हैं, बहुत गलत है, इनको आप जितना बायकॉट करो उतना अच्छा। इवन यही नहीं, एक और एपिसोड में पूछा गया कि आप किसके साथ हुकअप, मीटअप और किल करना चाहेंगे, तो क्या कहते हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और इवन वही सुशांत सिंह का नाम था, और उसमें उन्होंने किल में चूज़ किया सुशांत सिंह राजपूत को। दोनों मजाक बनाते हैं, मुद्दा ये नहीं है, ये मैटर नहीं करती है क्या उन्होंने चूज़ किया क्या नहीं किया, मुद्दा ये है कि आप किस तरह से मजाक बना रहे हैं एक कलाकार का, कि आप ये बोलते हैं कि
कौन है हम जानते नहीं, और अब वो जब जा चुका है, जब उसने सुसाइड कर लिया, तो आप ट्विटर पे आके ढोंग कर रहे हैं, किस तरह की हिपोक्रेसी है। अब आलिया भट्ट को समझ में आ गया कि सुशांत सिंह कौन था और नौटंकी करने आ गई। समझने वाली बात है दोस्तों, इस तरह के नाटक करने वाले जो कलाकार हैं उनको बॉयकॉट करना ही चाहिए। आलिया भट्ट जैसे स्टार किड मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो चुके हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बिहार से उठ के यहाँ पे पहुँचा, एक गांव में पैदा हुआ बंदा अगर यहाँ तक पहुँचता है बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये स्टार किड्स अपने उसमें रहते हैं, अपने अखड़ में रहते हैं। अर्जुन कपूर हो गया, आलिया भट्ट हो गई, ये कौन है अनन्या पांडे, ये लोग मतलब स्ट्रगल तो इन्होंने देखा ही नहीं। इनका वो कहा है ना, वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी या जो भी नाम है उसका, उसने कहा है कि इन लोगों का जब स्ट्रगल ख़त्म होता है ना, वहाँ से तो हमारा शुरू होता है। बंदी का वैसे मजाक बना दिया था उस इंटरव्यू में, और उसको पता भी नहीं लगा। तो ये तो इनकी कॉमन सेंस है दोस्तों। सो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो बॉलीवुड है, और ये इसी कारण हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, कि लोग समझने लग गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे तोला जाता है लोगों की भावनाओं को, किस तरह से यहाँ पे वैल्यू नहीं है इंसान की, यहाँ पे वैल्यू है पैसों की, और इसी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको मजबूरन डिप्रेशन में भेजा जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की क्या हालत रही होगी? वैसे तो सच कहूँ तो ये कायरता है कि आप के पास अगर काम नहीं है और ये नहीं है तो आप आत्महत्या कर लो, बहुत से ऑप्शन है, आपका घर था वहाँ जा सकते थे। पर एक होता है ना कि एक आदत पड़ जाती है अब पैसों की, अब उसके बिना हमारी लाइफस्टाइल ही नहीं है, अपने आप में लगता है यार मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरे फैंस क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और ये कर लिया, बहुत गलत है, सोचने वाली बात थी। बट जो भी है, अब जो चला गया वो तो आएगा नहीं लौट के, बट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझे और इस पर काम करें। दोस्तों सलमान खान भी कोई बंदा ठीक नहीं है। कौन सी मूवी आई थी उसकी, सुल्तान, जिसमें अरिजीत सिंह का गाना था, और एक स्टेज शो हुआ था, आपने देखा होगा कौन से चैनल पे था, जो भी था, लेकिन एक जो इनके स्टेज शो होते हैं अवार्ड शो, उसके अंदर अरिजीत सिंह ने कह दिया सर आप सुला देते हो, बंदा अपनी अकड़ में आ गया। मतलब इतना एरोगेंट इंसान है सलमान खान, ढोंग तो बहुत अच्छे से कर लेगा बींग ह्यूमन होने का, लेकिन एरोगेंसी यहाँ पर दिखती है कि कैसे उस बंदे का कैरियर तबाह करने पर आ गया, और अरिजीत सिंह को लिखना पड़ा फेसबुक पे जाके फाइनली, जो आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। तो ऐसी हालत कर दी जाती है, लेकिन अरिजीत सिंह का टैलेंट बोला और वो व्यक्ति हारा नहीं, और आज गाने गा रहा है सलमान खान जैसे थर्ड क्लास एक्टर के इतना करने के बाद भी। आपका हो सकता है पसंदीदा एक्टर हो, पर कुछ मूवीज़ उसकी चलती नहीं है, दबंग जैसे में वो नौटंकी कर लेगा, बाकी कुछ आता जाता है नहीं दोस्तों। समझने वाली बात है, जो अच्छे कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो एक्चुअल में एक्टिंग करते हैं, और उनको दबा दिया जाता है। ये डर है इन लोगों को बहुत ज़्यादा कि ये बाहर के आए हुए जो कि एक्टिंग सीख के आए हुए हैं, ये हमें दबा देंगे, और हमारा जो एक हमने वो खड़ा किया है ना इस पे हिलती हुई नींव पे, हमारा पूरा ढांचा वो गिर जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। कंगना रनौत ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात थी, और बाकी ये जो स्टार किड्स हैं या स्टार्स हैं, ये सो कॉल्ड स्टार्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है, इनको सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अपनी भूख से मतलब है, ये इतने डोनेशन कर लेंगे सिर्फ दिखावे के लिए, करना ज़रूरी ना दोस्तों, इतनी सैलरी कमाते हैं, मतलब इतने करोड़ों में जब ये लेते हैं ना तो इन्हें डोनेशन करना पड़ता है, मजबूरी है, अगर नहीं होना तो ये करेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि इनकम टैक्स ये सब लगता है बहुत, तो उससे बचत करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं इनके, बाकी इनको कोई तरस नहीं है। अगर ये सब लगना बंद हो जाए ना तो एक रुपये नहीं खर्च करेंगे ये गरीबों के लिए। साला जो अपने साथ के सहयोगी हैं कलाकार हैं उन पे तो तरस आता नहीं है इनको, उनको तो चाहते हैं मूवी में काम ना करें, और ये करेंगे लोगों की मदद। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी रात के 2-3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको इस पे एक वीडियो शेयर कर दूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रात को 3 बजे बनाया तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना जाने से पहले। मिलूँगा अगले वीडियो में जल्दी।